सच में आप लोगों के एडमिट कार्ड आ गए हैं। लखनऊ एआरओ, वाराणसी एआरओ और अमेठी एआरओ, जिसको लेकर मैंने वीडियो बनाया था कि आप लोगों का ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर भी वीडियो बनाया था, डॉक्यूमेंट के बारे में पूरा बता दिया हूँ। अगर अभी भी आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। अगर वो वीडियो आपको खोजने में नहीं मिल रहा है तो आपको एक नई प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आर्मी भर्ती 2022 चैनल के ऑफिशियल पेज पर वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आपको वो सारे वीडियो मिल जाएंगे जो कि इंडियन आर्मी भर्ती से रिलेटेड है। उसके बाद साथियों, चलिए आप लोगों को बताता हूँ क्या एडमिट कार्ड सच में डाउनलोड हो रहे हैं, क्योंकि एक दो वीडियो आए हैं और एक दो मेरे पास फ़ोन भी आना स्टार्ट हो गया है जब से इस तरीके के वीडियो सामने आए हैं कि क्या सर वास्तव में एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है, या फिर बहुत सारे बंदे परेशान है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि लगभग साथियों, मैं आपको बता दूं, 60% यानी कि आपका 60% ऐसे नौजवान साथी हैं जो कि पहली बार इस इंडियन आर्मी की भर्ती में शामिल हो रहे हैं। मैं आपको फिर से आपको यकीन दिला दूं कि 60% ऐसे नौजवान साथी हैं जो कि पहली बार भारतीय सेना की इस भर्ती में आप लोगों के बीच में उतर रहे हैं। वो आप भी हो सकते हैं या फिर आप नहीं हो सकते। आप हो सकता है कि एक दो भर्ती पहले से देख चुके हों, बट जो एवरेज निकल के आ रहा है 60% एवरेज ऐसा है। अभी मैं छुट्टी पे घर गया था तो मैंने एवरेज निकाला था वहाँ पर पता करके इधर उधर से, तो 60% का एवरेज है कि जो कि नए साथी हमारे उतर रहे हैं भारतीय सेना की इस भर्ती में, ठीक है। उसके बाद साथियों, अभी आप लोगों को अगर ये बता दूं कि एडमिट कार्ड के बारे में, तो चलिए एडमिट कार्ड के बारे में बताता हूँ। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी आज तक आपने टारगेट फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर आपको आर्मी भर्ती से रिलेटेड पल पल की अपडेट मिलती रहती है। तो साथियों देखिए, जो एडमिट कार्ड है, तो मैंने जब 5 अगस्त से आप लोगों का ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हुआ है जो कि 3 सितंबर तक चलेगा, अंदाजे से मेरे 10 से 12 दिन आपके पास और हैं ऑनलाइन आवेदन करने के। जो साथी नहीं किए हैं वो कर दें। बाकी जो एडमिट कार्ड वाली बात है, तो आप लोग ये लिख के ले लीजिए, 100% श्योर रहिए, एडमिट कार्ड तभी जारी होंगे जब आपके ऑनलाइन आवेदन बंद हो जाएंगे। कहने का मतलब कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो 3 सितंबर के बाद ही जारी होगा, क्योंकि 3 सितंबर तक अभी आप लोगों के ऑनलाइन आवेदन ही हो रहे हैं। एडमिट कार्ड में आपका जो वेन्यू रहेगा, वेन्यू तो जो है वो लगभग क्लियर कर दिया गया कि आपकी भर्ती कहाँ रहेगी, बट किसी भी कारणवश अगर चेंजिंग होती है तो वो वेन्यू आपका मेंशन किया जाता है। आपका ट्रेड और एक रोल नंबर जारी होता है, आपका बार कोड जारी होता है जिसके थ्रू आपको वेरीफाई किया जाता है वहां पर ग्राउंड पे, और उसमें आपकी फोटो वगैरह सब कुछ बना रहता है। जो डॉक्यूमेंट ले जाना है वो भी दिया रहता है, और टाइमिंग दी रहती है, डेट दी रहती है कि आपके जिले की या फिर आपकी भर्ती किस तारीख को कितने बजे कहाँ पे लगेगी, इस तरीके से सारा कुछ मेंशन किया जाता है आपके एडमिट कार्ड में, जो कि 3 सितंबर के बाद जारी होगा। 3 एआरओ की बात कर रहा हूँ, अमेठी, वाराणसी और आपका लखनऊ, इन तीनों का जो है 3 सितंबर के बाद ही एडमिट कार्ड जारी होगा। साथियों तब तक आप लोग धैर्य रखिए, बिल्कुल भी भ्रामक न्यूज पर ध्यान मत दीजिए, जैसे कोई अपडेट आता है आप लोगों को सूचना दी जाएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, मिलता हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।